पढ़ी लिखी नहीं है, कहीं काम नहीं कर सकती हैं, जैसे किसी के पति नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उनको रोजगार भी है। तो ऐसी महिलाएं हैं यहाँ, कई लोग तो ऐसी हैं कि बोल भी नहीं पाती हैं यहाँ। हमारे महिला समूह में कम से कम नहीं तो 80। आज हम आ गए हैं रायपुर गढ़ किलेवा में, जो घड़ी चौक के पास है, और छत्तीसगढ़ी खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है। मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। मेरा नाम मंजू अर्जरिया है और मैं रायपुर गढ़ कलेवा से हूँ। ये हम लोग इसको जो है, ये महिला समूह इसको चलाती है, और इसको चलाते हुए हम लोग को 7-8 साल हो गया। ये जो जगह है ये है गवर्नमेंट का, और हमको ये जो पहले 3 साल जो शुरू के 3 साल थे, ये हमको फ्री में जगह दिया गया था, उसके बाद अब हम यहाँ का रेंट देते हैं। ये जो हमारी जो महिला समूह है, उनकी जो अध्यक्ष सरिता शर्मा, मैं यहाँ की सचिव हूँ, तो ये उनका मतलब सपना था एक ही, मैं छत्तीसगढ़ी फूड को आगे बढ़ाऊँ। ये जो हमारी संस्कृति है, जैसे लोग साउथ इंडियन चाइनीज ये सबको जानते हैं, वैसे ही वो भी ये चाहती थी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ी फूड है ये भी आगे बढ़े, इसको भी लोग जाने पहचाने, जो हमारी संस्कृति है, इसलिए उनका ये सपना था। और ये 10 साल से उसको चला रही थी, और अभी मतलब अब तो 20 साल हो गया है, जब यहाँ आई उससे पहले ये इसको चला रही थी। डगनिया में एक शॉप है छोटा सा, वहाँ पर वो चलाती थी पहले। फिर जो यहाँ कल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं, डायरेक्टर सर हैं, जैसे कहीं छोटा छोटा जगार वगैरह मेला लगता था तो वहाँ लगाती थी स्टॉल, तो उनको जैसे टेस्ट वेस्ट कुछ पसंद आया तो फिर वो हम लोग को ये जगह दिए चलाने के लिए। सब यहाँ पर छत्तीसगढ़ी थाली में जो हमारा नाश्ते में आता है, जैसे चीला है, फरा है, बड़ा है, और जो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहारों में जो बनता है, अरसा, पिड़िया, ठेठरी, खुरमी और लाई बड़ी, मिर्ची बिजोरी, ये सब हमारा स्पेशल थाली में रहता है। ये सारे जितने भी छत्तीसगढ़ के जो भी आइटम है आपको सब यहाँ पर रायपुर में मिलेगा। सिंपल जो थाली है वो 100 रुपये का है, और एक स्पेशल थाली रहता है वो 150 का है। और मतलब जितना भी आइटम है सब हमारे यहाँ चावल का ही बनता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में चावल ज़्यादा होता है, तो जो चीला, फरा, ये सब चावल का बनता है। माड़ा पीठा है, बखौरी जो रहता है वो मिक्स दाल का बनता है। और जो मिठाई वगैरह फेस्टिवल में बनता है वो कौन सी चीजें रहती है? वो है पिड़िया है, ठेठरी है, खुरमी है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का अभी एक त्यौहार आ रहा है तीजा, बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर ये हमारे ठेठरी और खुरमी बनता है उसमें तीजा में हमारे यहाँ। जैसे ये जो बने हुए हैं ना काउंटर, जैसे नाम लिखा है घरौंदा, पिरोहिल, ये जैसे कभी होटल किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो काउंटर्स रहते, 1-2 नंबर डाला रहता, तो हम इसको छत्तीसगढ़ी नाम दिए हैं। यहाँ पे पिरोहिल का मतलब होता है हमदर्द, छत्तीसगढ़ी में पिरोहिल बोलते हैं। और मितान लिखा होगा, मितान का मतलब फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वो उससे भी मतलब एकदम खास फ्रेंड रहता है जो। अच्छा। पंथी का मतलब क्या होता है? पंथी जो है हमारे छत्तीसगढ़ का एक नृत्य होता है, पंथी, इसको सतनामी लोग करते हैं। और पीछे जो जगह है वो थाली के लिए वहाँ पे? हाँ, पीछे साइड जो है थाली है, और हम लोग थाली का बनाए नहीं होंगे, कांसे की थाली में जो हम छत्तीसगढ़ी कल्चर में बना लिए, उसी में हम लोग खाना देते हैं। ट्री हाउस देखे हैं, तो यहाँ पे ट्री में भी सीटिंग एरिया बनाया आपने? हाँ, यहाँ पर वही जो यहाँ के विभाग के लोग हैं ना, ये गवर्नमेंट, ये जगह वही बना के हमको दिए हैं। पहले तो एक ही था, अभी और बनाए हैं, शायद अभी और ये होने वाला, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका, अब 7 साल हो गया है, तो अभी इसमें और चल रहे हैं काम। तो ज़्यादातर सब महिलाएं काम करती हैं? हाँ, यहाँ पे अधिकतर महिलाएं ही काम करती हैं, और जो लड़के हैं भी तो सब रिलेटेड हैं, मतलब किसी के बेटे हैं, किसी के ये हैं, ऐसी महिलाएं हैं। मतलब हम लोग का काम ये भी है कि कुछ महिलाओं को रोजगार भी देना है, जो महिलाएं कहीं आ जा नहीं सकती, जो पढ़ी लिखी नहीं है, कहीं काम नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी महिलाएं हैं यहाँ। कई लोग तो ऐसी कि बोल भी नहीं पाती हैं यहाँ पर, ऐसी महिलाएं हैं, तो उनको रोजगार भी मिल जाता है, और वो लोग कहीं जा के काम भी, जिनका कोई है भी नहीं, जैसे किसी के पति नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उनको रोजगार भी है। हमारे महिला समूह में कम से कम नहीं तो 80 महिलाएं हैं, मतलब ये सिर्फ यही नहीं है मेरा, और भी जगह है ना, 2-3 जगह है, पंडरी में है, और नया रायपुर में है, मंत्रालय में है, और जैसे जो सूखा आइटम जो रखा होगा इधर वाले काउंटर में आप देखोगे, सो घर में और महिलाएं बनाती हैं, तो 20-25 महिलाएं वहां हैं। तो अभी जैसे तीजा हमारे छत्तीसगढ़ का, तो बहुत सारा ऑर्डर रहता है हमारा, कंप्लीट भी नहीं हो पाता, मंत्री जितने हैं सब हमारे यहाँ से जाता है, और हम लोग खुद बाहर गए हैं, जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद है, गुजरात, हम लोग का स्टॉल लगा था, और भुज में भी हम लोग का लगा था, मतलब ये दिल्ली में हम लोग का प्रगति में 3 साल से जब ये चलता था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें हम लोग जाते थे, फूड फेस्टिवल में, अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल में, सभी जगह गए, सभी को वहाँ बहुत पसंद आया, और आज भी अगर वहाँ से कोई लोग आते हैं तो पूछते हैं। आगे कढ़ी मही में खट्टा वाला, अब ये आगे आलू चना के साग, और ये आगे लौकी और चना के सब्जी, और रोटी दूठा, और पूड़ी सोहारी और पापड़, और अचार एक ठा, अब ये दे सलाद, गाजर और खीरा, और खुरमी रोटी, बस अब ये दे थोड़ा से चावल, हो गए थाली।